जो शख्स अपनी तनहाई में वहशत महसूस करता है तो उसके लिए उसे अपने रब के साथ उस कम होता है जो शख्स बंदों को हकीर जानता है तो इसलिए वो अपने आका को कम पहचानता है और जो कारीगर से मोहब्बत रखता है वो इसकी कारीगरी को अजीम जानता है बंदे पर सबसे ज्यादा भोजल चीज उसका कमजोर हो जाना है हल्की चीज उसकी कबर से तो क्या बात है कि वो हल्की शय के जरिए भूजल शय को दूर नहीं करता इंसान के दिल में रहा तो आराम पैदा करता है और माल के साथ नफ्स की सखावत भी पैदा करता है अकलमंद वो शख्स होता है जो अपने भाइयों की सलाह की हिफाजत करता है उनके नहीं जो उनकी बारात के पीछे चले सब के सब मुर्दा होते हैं वो नहीं जिन्हें कनात की इज्जत से अल्लाह जिंदा रखे और उसके फकर पर राजी हो याद रखो जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है वो अपनी आबूदियत से पहचाना जाता है और सिर्फ अपने माला पर फकर करता है फकरा सब के सब मुर्दा होते हैं वो नहीं जिन्हें कनात की इज्जत से अल्लाह जिंदा रखे और उसके फकर पर राजी हो जो शख्स परहेजगार और अल्लाह की मार्फत रखता हो तो उसके नजदीक अल्लाह की मुलाकात और इसके यहाँ जाने से ज्यादा अहमियत किसी और चीज़ की नहीं होती वो आँख जो अपने महबूब को देखने से रह जाती है और बगैर रोए इससे मिलने का शौक रखे तो ये बात अच्छी नहीं आरिफ हो होता है जिसकी भलाई मखलू की तरफ से देखने से रोके खा वो देखना इनकी मानने के लिए हो या इनकी बात रद्द करने के लिए बुराइयां छुपाने से बेहतर ये होता है कि इंसान अपनी अच्छाइयां छुपाते क्योंकि इससे तुम निजात की उम्मीद रख सकोगे सात बार ये वरीफा पढ़कर जिस औरत के पीछे से गुजर जाओगी वही औरत तो बराशिक हो जाएगी याद रखो हर वो शख्स जिसके पास बैठना सही हो इस काबिल नहीं होता कि इसके साथ उन मोहब्बत की जाए और ना ही कोई इन लाइक इस काबिल होता है जो कि भेद को भेद ही रख सके भेदों पर अमीन लोग ही हिफाजत कर सकते हैं जो शख्स बेअकल होते हुए बादशाहों का खादि बनेगा तो उसकी जहालत उसे मरवा डालेगी याद रखो मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठना रो को गोया पगला देता है और खूबसूरत लड़कों के पास बैठना अकले बगाड़ देता है